आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी मीठी बूंदी बनाने की रेसिपी। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। इसमें 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आपको इसका घोल जैसा हम भजिए के लिए घोल रखते हैं, जो बहुत पतला नहीं होता है, वैसा घोल बनाना है। बूंदी के लिए बैटर तैयार हो गया है। अब हम एक गाजर घिसने वाली छलनी लेंगे और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। पैन में ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें छलनी रखेंगे ऊपर और उसमें बेसन डालकर लगातार बेसन को चलाते जाएंगे, जिससे छोटी छोटी जो बूंदी हैं वो तेल में गिरना शुरू हो जाएंगी और इसके बाद हम इसे तल लेंगे। बूंदी को आपको गोल्डन कलर में तलना है। देखिए बूंदी का कलर इस तरह होना चाहिए। बूंदी बनाने के लिए आप पूरी निकालने वाले झारे का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको भी आपको ग्रीस कर लेना है। इसके बाद इसमें बेसन डालकर सावधानी से धीरे धीरे उसको हिलाना है। हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। अब हम शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए हम 1/2 ग्लास पानी लेंगे और उसमें 1.5 कटोरी शक्कर ऐड करेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से इसको चलाते हुए पका लेंगे। शीरे में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें खाने वाला 2 बूंद कलर मिक्स करेंगे, जिससे हमारी बूंदी में भी कलर आ जाएगा। शीरे में उबाल आने के बाद आपको अपनी उंगलियों में थोड़ा सा शीरा लेकर टेस्ट करना है। यदि वो चिपकता है
मतलब आपका शीरा तैयार है। अब हम इसमें जो हमने बूंदी बनाकर रखी है उसको ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से शीरे में मिक्स कर देंगे। इसके बाद आप इसको 10 मिनट के लिए ढाँक कर रख दीजिए। आपकी बूंदी तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।